चलिए नजर डालते हैं इस वक्त न्यूज प्राइम 24 की खास खबरों पर। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद, अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 528। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार के सभी दलों के वरीय विधायकों के साथ कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बातचीत। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, मजदूरों के वापसी का खर्च उठाएगी बिहार सरकार, टिकट के अलावे दिए जाएंगे 500 रुपए अतिरिक्त। बिहार बोर्ड ने जारी किया आदेश, मैट्रिक परीक्षा की मूल्यांकन कार्य 17 मई तक स्थगित। पटना के विक्रम में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना से बचाव के लिए चलाया जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश, प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की अनिवार्यता हुई खत्म, सेल्फ क्वारंटाइन के लिए भरना होगा घोषणा पत्र, गाइडलाइन नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई। पटना सिटी के माल सलामी थाना पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर एवं परिवार के हत्या में संलिप्त अपराधियों पर किया सख्त कार्रवाई, किया कुर्की जब्ती। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में कोरोना महामारी को लेकर बार एसोसिएशन ने आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के बीच 1,000 रुपए का राशि का किया वितरण। पटना सिटी में 20 अप्रैल को गोली मारकर हुए सनी गुप्ता की हत्या में संलिप्त हत्यारे को सजा दिलाने एवं मृतक परिवार के सुरक्षा को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। नवादा के गोविंदपुर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे 3 प्रवासी, 2 पिपरा गांव का, तीसरा गोविंदपुर डीह गांव का है निवासी। नवादा जिले के वारसलीगंज में मिली प्राचीन काल पत्थर की भगवान विष्णु की बड़ी प्रतिमा, मिट्टी खुदाई में मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा को किया गया पूजा अर्चना। कोटा से नवादा पहुंचे 250 छात्र छात्राएं, जांच के बाद सभी को किया जा रहा होम क्वारंटाइन। पटना से सटे बीटा के सदीशोपुर में अवैध शराब भट्टियों पर की गई छापेमारी, भारी मात्रा में मिले देसी शराब को पुलिस ने किया नष्ट। पटना में झमाझम बारिश और आंधी से हुई दिन की शुरुआत, मौसम ने बदला मिजाज। बिहार में नियोजित शिक्षकों की हड़ताल खत्म, माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया ऐलान।